आप देखने के लिए आए हैं अल्टो K10। यहाँ पे हमारे पास अल्टो K10 में चार मॉडल मिल जाएंगे आपको, स्टैंडर्ड, LXi, VXi, VXi प्लस। अभी आपके पास जो आपके सामने जो गाड़ी खड़ी अल्टो K10 की, ये सबसे हाई वेरिएंट है, यानी VXi प्लस है। अब हम इसके फीचर्स क्या क्या, सब कुछ, इसकी क्वालिटी क्या क्या, स्टैंडर्ड से लेके इसके में बेसिक से लेके जो भी हाई है सब दिखाते हैं। आ जाइए, फिर इसको बोनट बोलते हैं, इंजन भी आपको मिल रहा है। ये जो आप जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं हनी बी ग्रिल। आपको यहाँ पे आप पास आके देखेंगे तो आपको हेलोजन लाइट लैंप लाइट मिल जाएंगे, इसको आपको साइड इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो है फ्रंट वाइपर्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको नोजल स्प्रे मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा इधर की साइड साइड प्रोफाइल करते हैं तो आप नीचे देखेंगे तो आपको जो है अच्छा ग्रिल वाला 145/80R13 का आपको जो है यहाँ पे टायर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे व्हील केप भी आपको मिल जाएगी। और अब हम थोड़ा सा इस साइड आते हैं, पहले बाहर से पूरी गाड़ी को कवर करते हैं फिर इंटीरियर कवर करेंगे। आगे साइड प्रोफाइल में आप देख ही सकते हैं गाड़ी को, एक छोटी सी प्यारी सी गाड़ी है जिसके अंदर बहुत से फंक्शन है। इसको लोड अल्टो भी बोलते हैं और इंडियंस की हमेशा ये फेवरेट है। उसके बाद हम पीछे की इसकी बात करें तो यहाँ पे भी आपको हैलोजन लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। ये जो है ये गाड़ी का पीछे का हिस्सा है और इसको हम चाबी से भी खोल सकते हैं और वहाँ अंदर से भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूँगी। ये देखिए, अब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये एरिया जो आपको दिख रहा है ये लगभग 214 लीटर स्पेस घेरता है, ये पेट्रोल की है, आराम से आप यहाँ पे इतना सामान रख सकते हैं। इसके नीचे आपको स्टेपनी भी देखने को मिल जाएगी, ये देखिए ये स्टेपनी है गाड़ी की, आपको स्टेपनी देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पार्सल ट्रे, यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाएगा अच्छा खासा, एक हैचबैक गाड़ी है ये। चलो, इसका होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दो पार्किंग सेंसर भी मिल जाएंगे और उसके अलावा ये आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं माउंटेन लैंप। जब गाड़ी आती है तो दूर से गाड़ियाँ देखने के लिए जब ब्रेक लगता है तो ये एक अपने को बता देता है कि हाँ गाड़ी जो है रुक रही है, ब्रेक लगा रही है वगैरह, तो माउंटेन लैंप भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको दिख जाएगा एंटीना जो है, आपको अंदर से गाड़ी बताती हूँ मैं। निकलिए मैडम, बाहर निकलिए, मैं गाड़ी बता रही हूँ, आप ऐसे दिखा दो मिनट मैडम, बाहर निकलिए, मैं अभी बुक कर रही हूँ मैं। अरे बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, पीछे जाइए बैठ। तो मैं आपको ड्राइवर सीट से बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठे रहिए। हमारे मैडम की थोड़ी हंसी आ रही है। तो अब यहाँ पर हम बैठते हैं, सबसे पहले एडजस्टेबल सीट आपको मिल जाती है यहाँ पे, आप इसको जो है अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी हाइट अगर 6 फीट भी है तो आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, कैजुअली, आपके कहीं पर भी अड़ने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको यहाँ पे जो स्टेयरिंग देखने को मिलता है ये पावर व्हील है, पावर स्टेयरिंग आपको देखने को मिल जाएगा, कोलैप्सिबल है बिल्कुल, जो मतलब प्रोटेक्शन के लिए आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। उसके अलावा ये जो आप सीट देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको सीट बेल्ट जो मिलेगा उसके दो फीचर्स बताती हूँ। पहला तो ये है कि ये प्री टेंशन है, जैसे ही कुछ ऐसा तनाव फील होता है गाड़ी में, एग्जाम से कुछ भी होता है तो ये अपने आपको प्रीटेंश कर लेता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अच्छी एक चीज़ है सीट बेल्ट ज़रूर। और हाँ, इसमें आपको सीट बेल्ट का बजर भी मिल जाएगा, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो उसमें आपके MID है उसमें शो होता रहेगा बार बार कि सीट बेल्ट। आप जो ये देख रहे हैं ये आपको थोड़ा सा मैनुअल मिलेगा ORVM, जो आपको बाहर का जो ग्लास है उस पर भी सेट करना पड़ेगा। अंदर आपको जो है AC देखने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये आपको जो दिख रही है यहाँ पे ये सारी ऑडियो माउंटेन कीज़ है, यहाँ से आप जो है वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोन काट सकते हैं वगैरह, सब कुछ सारे फंक्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये आपको हाई वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे स्पीकर दिख रहे हैं, ऐसे चारों स्पीकर चारों डोर पे आपको मिल जाएंगे हाई वेरिएंट के अंदर, जो हम बात कर रहे हैं कि चारों स्पीकर मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको बोतल स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे चाइल्ड लॉक देखने को मिल जाएगा, ये सेफ्टी के लिए बहुत सही चीज़ है। अब हम थोड़ा सा इस साइड आते हैं, आपको यहाँ पे डमी कीज़ देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा नीचे जो आपको फंक्शन दिख रहा है ये जो है आगे के हेडलैम्प से उनका आप लेवल कर सकते हो, इसे ऊपर नीचे वगैरह आपके हिसाब से, नीचे के बेसिक्स आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं, इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको 7 इंच के यानी समथिंग 17.38 cm के आपको डिस्प्ले अच्छी स्मार्ट प्ले डॉक मिल जाएगा, इस पर बहुत से फंक्शन है। चलो गाड़ी को थोड़ा सा जो है ऑन करके बताते हैं आपको, यहाँ पे आपको जो है AC देखने को मिल जाएगी, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं नीचे। यहाँ पे आपको पावर विंडो, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, आपको यहाँ पावर विंडोज मिल जाएगी, आप जैसे इसको करेंगे तो ये जो है दोनों फ्रंट जो विंडोज़ है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वापस बंद करना है तब भी आप इसको ऐसे करिए तो दो पावर विंडोज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा फ्यूल हमारा लो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी के फंक्शंस आप देख ही सकते हैं, इसका डिस्प्ले बहुत ही स्मूथ चलता है, जब आप फोन करेंगे ब्लूटूथ से तो ये सारे फंक्शंस वैसे ही बता देगा। यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है बोतल्स वगैरह रखने का, ये आपका ग्लो बॉक्स हो जाता है, इसके अंदर भी आप सामान रख सकते हैं। और सेफ्टी के फीचर्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे ड्यूल एयर बैग्स मिल जाते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और उसके अलावा आपको यहाँ पे ग्रिप्स मिल जाएगी, आपको को सीटर्स के लिए भी ग्रिप्स मिल जाएगी, सनरूफ्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, बस इसमें कांच नहीं मिलेगा आपको, अगर कोई लेडीज़ वगैरह इस सीट पर बैठती है तो उसका कांच नहीं मिलेगा। ये आपको लाइट यहाँ पर एक ही मिलेगी पूरी गाड़ी के अंदर,
मतलब यहाँ पे आपको एक चीज थोड़ी सी आपको याद रहेगी दूसरी गाड़ियों की, यहाँ पे आपको लाइट नहीं मिलेगा। अलावा आप यहाँ, आपको यहाँ पे यूएसबी का मिल जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे यूएसबी पिन वगैरह फोन वगैरह चार्ज करना हो, ये 12 वोल्ट का ये भी मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप अपने कार के एसी को सेट कर सकते हैं और ये आपको पार्किंग का मिलता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको ये डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा ऊपर का स्पेस आपके लिए, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाइपर है, ये देखिए ये वाइपर इस तरीके से वर्क करते हैं, और अगर आपको पानी का वो करना है तो पानी का इस तरीके से करके और वाइप कर देते हैं। तो यहाँ से आपको जो साइड का फंक्शन है ये लाइट के लिए होता है, लाइट वगैरह के लिए आपको फंक्शन मिल जाएगा। आगे की लाइट अगर उस गाड़ी पे आप देख पा रहे हैं तो फ्लैश जा रहा है, तो आगे की गाइड वगैरह के लिए है, और यहाँ पे भी आप लाइट कर सकते हो एडजस्ट हेडलैम्प के लिए। इस गाड़ी के अंदर स्मार्ट इमोबिलाइजर, इंजन इमोबिलाइजर देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो इसकी डुप्लीकेट चाबी हो कोई बना नहीं सकता, ये गाड़ी इसी के लिए इसी चाबी से खुलेगी। मैम इधर देखिए, और यहाँ पे आपको जो है हुड को खोलने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो ये पेट्रोल लिड को खोलने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको कार के बूट खोलने का मिलेगा, जैसे हम चाबी को खोला यहाँ से भी खुल सकता है। किस चीज की पावर पूछ रहा है? मैक्स पावर। इसकी 5500 RPM आपको पावर देखने को मिल जाएगी अल्टो की। और पूछिए, टॉर्क आपको मिलेगा 3500 RPM का, और जो इसका जो टायर होता है इसकी साइज की होती है 145/80 R13 आपको टायर देखने को मिल जाएंगे। और बताइए, और अब आप कल आइएगा, 4.5 मीटर में पूरी गाड़ी आपकी घूम जाएगी। हाँ एक चीज़ और बता दूँ, ये पावर स्टेयरिंग है आपका, मतलब कि आप एक हाथ से आराम से इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और मुझे कहीं से कहीं ये हमारे वीडियोग्राफर है, इन्हीं को मैं गाड़ी बेच रही हूँ, इन्हीं को गाड़ी बता रही हूँ। अब हम आपको पीछे से भी बता दें गाड़ी को। खोलो मैडम, खोलो, चाबी में बंद कर देती हूँ, क्योंकि इन मैडम का भरोसा नहीं है, गाड़ी वानी ऑन कर दे तो। हाँ मैडम, नहीं नहीं आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठिए। तो आपको पीछे बस एक ही थोड़ा डिसएडवांटेज वाली चीज़ मिलेगी मैडम, कि यहाँ पे आपको जो है ग्लास का इस तरीके से आपको मैनुअली इस चीज़ को आपको करना पड़ेगा, जो पुराना फील देगा थोड़ा सा मैनुअली आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ स्पेस और मिल जाता है आपका बोतल वगैरह कुछ भी रखने के लिए। आपको स्पीकर्स, जैसे मैंने बताया चारों डोर्स पे आपको स्पीकर्स मिलेंगे, वो आपको दिख ही रहे होंगे। 5 सीटर गाड़ी आपको मिल रही है, ये पेट्रोल वाली गाड़ी है, इसमें CNG भी आती है। आपको पीछे जो है असिस्ट ग्रिप भी मिल रही है पीछे के राइडर्स के लिए, और कंफर्टेबल सीट है, और इसमें जो आपको हेडरेस्ट भी मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात मैडम आप आगे खिसकिए, एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे आपको जो है मिडिल वाले के लिए भी आपको सीट बेल्ट मिल जाएगा। ELR सीट बेल्ट का मतलब ये होता है कि आपको जो है इमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर होता है, ये भी आपको जो अचानक अगर गाड़ी के आगे झटका लगता है तो ये आपको फिट करके रखेगा एकदम, तो ये भी सेफ्टी फीचर के साथ आया हुआ है। तो किस तरीके से मैंने आपको गाड़ी एक्सप्लेन करी मैडम? बहुत अच्छे से करी है आपने, मुझे समझ में भी आ गई, एक एक पार्ट्स आपने मुझे बताया है, हर एक चीज़ बताई है इस कार के अंदर क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ इसके इतने वेरियंट है, लेकिन किस वेरियंट में, मतलब ये जो आपने बताया टॉप वेरियंट मुझे बहुत अच्छा लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, स्मार्ट फीचर्स के साथ टॉप वेरिएंट आपको मिलता है, और अधिकतम लोग इसी को लेते हैं, अपनी लॉर्ड अल्टो इंडिया में तो नाम चलता है सुजुकी में इसका। चलिए मैडम उतरेंगे, आप अंदर ही रहिए, ठीक है, मस्त गाड़ी देखिए आराम से, बाय। अगर आपको मारुति सुजुकी में किसी भी गाड़ी की किसी भी वेरियंट की आपको नॉलेज चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।